जय हिंद। आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 लाख इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स 10,000। 1 लाख बराबर यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है। इसमें कितना हम यहाँ पर ब्लैंक्स में भरेंगे कि ये हमारा 1 लाख के बराबर हो जाए। तो पहले 1 लाख को हम लिख लेते हैं। 1 लाख लिखते हैं यहाँ पर। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। ठीक है। अब इधर क्या है, 10,000 है। 10,000 को लिखते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पर 10,000 तक हमारा हो गया। तो 10,000 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 1 लाख के इक्वल हो जाए। तो इसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख, और 10, 10,000 होंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 10, 10,000 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 लाख बन जाएगा। आप अपने कॉपी में 10, 10,000 लिखिएगा और उन सब को ऐड कीजिएगा, आपको 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिलियन है। तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन को हम 10 लाख बोलते हैं इंडियन में। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 लाख को पहले। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, एक और जीरो करेंगे, 10 लाख हो गया हमारा। इसको इंटरनेशनल में पढ़ेंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 1 मिलियन। 1 मिलियन हो गया हमारा। अब इधर क्या है, 100,000। ठीक है। 100,000 लिखते हैं इधर, हो गया हमारा 100,000। 100,000 को हम इंडियन में क्या बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं। ठीक है। अब 100,000 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मिलियन के पास हम पहुंच जाए। इसमें भी हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलियन के पास पहुंच जाएंगे, या फिर 1 लाख को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 10 लाख हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 आएगा हमारा। आप ये सब जोड़ने वाला काम आप अपने कॉपी में घर पर करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 करोड़ है। 1 करोड़ है और इधर ब्लैंक्स है, फिर क्या है, 10 लाख है। 1 करोड़ बराबर खाली स्थान है, 10 लाख है। तो 1 करोड़ पहले लिखते हैं। एक करोड़ हो गया हमारा। अब 1 करोड़ इधर क्या है, 10 लाख है। 10 लाख लिखते हैं। ठीक है। 10 लाख हो गया हमारा। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ठीक है। अब 10 लाख में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 करोड़ के पास पहुंच जाए हम, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी तो 1 करोड़ हो जाएगा, या फिर 10 बार 10 लाख को ऐड कर देंगे तो हमारा 1 करोड़ बन जाएगा। यहाँ पर भी हमारा 10 हो जाएगा। अगला क्या है, 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो ये आप जब हम इंडियन और इंटरनेशनल पिछले वीडियो में जब हम बताए थे, आप वहाँ पर देखे होंगे कि 1 करोड़ को हम क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। ठीक है। अगला क्या है, 1 मिलियन खाली स्थान है, लाख दिया हुआ है, अभी ऊपर ही बताए हम 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबरल्स। कॉमा हमें देना है और जो नंबर, नंबरल्स यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर में दिया है वर्ड में,
उसको हमको नंबर में लिखना है और उसके बाद उसमें कॉमा देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 73,75,307 है, तो 73 लाख लिखते हैं हम पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है, 75,000 है, तो 75,000 लिखते हैं। अब क्या है, 307 है, तो 307 अब कॉमा देना है, तो ये इंडियन सिस्टम है तो कॉमा देते हैं यहाँ पर। पहला तीन के बाद आता है, उसके बाद दो दो के बाद आता है, तो दो यहाँ पर हो गया, आगे नंबर नहीं है, यहीं तक देंगे हम, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्जाम क्वेश्चन, 9,05,41 है, तो 9 करोड़ लिख लेते हैं हम। अब क्या है, 5 लाख है, तो 5 लाख लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जीरो इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर 10 लाख वाले डिजिट में होता तो तब यहाँ पर नंबर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 लाख है तो 10 लाख वाले में कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 41 है, तो 1000 में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 100 में भी नंबर कोई नहीं है तो उसके जगह पर भी 0 आ जाएगा, और 41 है तो 41 लिख देंगे हम। अब कॉमा देना है हमें, तो 1, 10, 100 हो गया, ये भी इंडियन सिस्टम में है, तो 3 के बाद आएगा पहला, फिर 2 के बाद आएगा, फिर 2 नंबर के बाद, फिर हमारा हो गया पूरा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 करोड़ है, 52,21,322, ये भी करोड़ आ गया, तो ये भी इंडियन सिस्टम हो गया क्योंकि इंडियन में हम पढ़ते हैं लाख करोड़ ये सब, इंटरनेशनल में मिलियन बिलियन ये होता है, ठीक है। तो 7 करोड़ है पहले हमारा, तो 7 करोड़ लिखते हैं यहाँ पर। फिर क्या है, 52 लाख, तो 52 लाख हो गया हमारा। आगे क्या है, 21,000 है, 21,000 हो गया। अब 302 है, तो यहाँ पर 302 लिख लेंगे हम, ठीक है। अब कॉमा देना है, तो पहले 3 नंबर हो जाएंगे, उसके बाद कॉमा होगा, फिर 2 नंबर के बाद, और फिर लास्ट में 2 नंबर के बाद, ठीक है, 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 58 मिलियन, मिलियन आ गया, मतलब ये इंटरनेशनल हो गया हमारा। 58,423,202 है, तो 58 मिलियन लिख लेते हैं पहले, ठीक है। अब 423,000 है, तो 423,000 हो गया। अब आगे क्या हमारा है, 202 है, तो 202 लिख ले रहे हैं। अब इंटरनेशनल में क्या था हमारा, पहले 3 नंबर के बाद 1 कॉमा देते थे हम, तो पहले 3 नंबर देंगे, फिर दूसरा कॉमा भी 3 नंबर के बाद आ रहा था क्योंकि ये इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल में क्या होता था, 1,000, 10,000, उसके बाद 100,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट क्या, 23,30,010 है, फिर से हमारा इंडियन आ गया, तो 23 लाख लिखते हैं पहले। फिर क्या है, 30,000, तो 30,000 हो गया। अब 10 है तो 100 प्लस पर कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे और 10 लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे, तो 3 नंबर के बाद पहला कॉमा आएगा हमारा, फिर 2 के बाद आएगा क्योंकि ये इंडियन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट कॉमाज सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। पहले इसमें हमें कॉमा देना है, उसके बाद इसका नंबर नेम करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में था वहाँ पर नंबर नेम दिया हुआ था और कॉमा केवल करना था, यहाँ पर दोनों काम करना है हमें, नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले नंबर को लिख लेते हैं, ये इंडियन है तो इसको इंडियन सिस्टम के तौर पर हम कॉमा पुट करेंगे, ठीक है। ये नंबर हो गया, तो सबसे पहले 3 नंबर के बाद आएगा कॉमा, 3 नंबर के बाद दे दिए हम, फिर 2 नंबर के बाद होगा, फिर 2 नंबर, ठीक है। अब काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख,
10 लाख, करोड़ तो 8 करोड़, 75 लाख 95,762 हो गया हमारा। यहाँ पर लिखते हैं 8 करोड़ 75 लाख 95,762 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पर पहले नंबर को लिख लेते हैं। पहला 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 नंबर हो गया कॉमा का काम। अब इसको काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख है तो 85 लाख हो गया, 46,283। यहाँ पर लिखते हैं 85 लाख 46,000 फिर क्या है 283 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर पहले लिख लेते हैं हम। अब कॉमा देते हैं तो पहले 3 नंबर के बाद कॉमा होगा, फिर 2 नंबर, फिर से 2 नंबर और फिर ख़त्म हो गया हमारा। अब काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। हिंदी वालों के लिए भी देख लेते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं 9 करोड़ 99 लाख है, 0 है तो 0 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जो नंबर होगा उसको लिखेंगे तो 46 बच गया यहाँ पर, तो 46 लिख देंगे यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस नंबर को भी पहले लिख लेते हैं हम। पहले कॉमा देते हैं तो 3 नंबर के बाद कॉमा आएगा, फिर 2 नंबर, फिर से 2 नंबर हो गया हमारा। काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, करोड़ है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें भी वही काम करना है, बस ये इंटरनेशनल है। वो पिछले वाली क्वेश्चन इंडियन थी, ये इंटरनेशनल सिस्टम में करना है इसको। पहले नंबर को लिख लेते हैं इसमें भी। इंटरनेशनल में हम क्या पढ़े थे, 3-3 नंबर के बाद कॉमा देते हैं हम, तो 3 नंबर के बाद यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ पर देंगे। अब काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000 तो 78 मिलियन हो गया। अब क्या है 921,000, तो यहाँ पर लिखते हैं 921,000
ठीक है। अब 100 प्लस पर 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, 92 डायरेक्ट लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी पहले नंबर लिख लेते हैं हम। पहले 3 नंबर के बाद कॉमा देंगे हम, फिर से 3 नंबर काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये 1 मिलियन हो गया। तो 7 मिलियन फोर हंड्रेड फिफ्टी टू हो जाएगा। अब क्या है, 283 है, थर्ड देखते हैं, इसको भी पहले लिख लेते हैं। अब 3-3 नंबर के बाद कॉमा देंगे, काउंट करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 99 मिलियन हो गया। फिर क्या है, 985,000, अब क्या है, 102 है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन। पहले 3 के बाद देंगे, फिर से 3 के बाद काउंट करेंगे, यहाँ तक 100 हो गया, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हो गया 48 मिलियन। जीरो को नहीं लिखते हैं, 49,000 लिखेंगे। फिर क्या है, 831 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा आज 6 क्लास की पहली चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गया। आगे हम 1.2 करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।